सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहूढं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणा अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, जैन धर्म को हम जान रहे हैं। कल हमने धर्म की परिभाषा देखी थी और वो धर्म कौन सा है, वो जैन धर्म है। जैन धर्म की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जिसके कारण वो वस्तु व्यवस्था को बताने वाला धर्म बन गया। अर्थात वस्तु व्यवस्था को जो बताता है उसे जैन धर्म कहते हैं। और वस्तु व्यवस्था क्या बताती है? वस्तु व्यवस्था बताती है कि कण कण स्वतंत्र है, मतलब कि कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। एक पुद्गल का एक परमाणु भी अपने में स्वतंत्र रहता है, अर्थात वो जो परिणमन करता है वो अपने योग्यता से परिणमन करता है, उसको कोई और परिणमन कराने में निमित्त नहीं, मतलब निमित्त तो होता है लेकिन कोई दूसरा उसको परिणमन करा नहीं सकता। मतलब इतना स्वतंत्र है एक एक पुद्गल परमाणु, मतलब कि जगत के जितने भी हमें चीजें दिखाई दे रही हैं सब स्वतंत्र हैं, सब अपना परिणमन करने में स्वयं समर्थ है, कोई किसी को परिणमन करा नहीं सकता। पंडित टोडरमल जी पंक्तियां कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी अपनी मर्यादा के साथ परिणमित होते हैं, कोई किसी को परिणमन कराने में सक्षम नहीं है। मतलब कण कण का स्वतंत्रता को जो उद्घोष करता है जैन दर्शन, कण कण स्वतंत्र है। मतलब कि एक होता है गणतंत्र, यहाँ पे कह रहे हैं कणतंत्र, आपने गणतंत्र सुना होगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक होता है कणतंत्र, कणतंत्र क्या होता है, जो कण कण की स्वतंत्रता को बताता है। यहाँ पे तो समूह की स्वतंत्रता को बताया जाता है कि पूरे देशवासी सब स्वतंत्र हैं, और जैन दर्शन कण कण को स्वतंत्र बताता है। तो सोचिए कितना महान दर्शन हो गया। मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया गीत शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी उस गीत को जरूर पढ़ा होगा, जिसमें कण कण की स्वतंत्रता बताई जाती है। आपने वो गीत सुना होगा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बहुत बढ़िया भजन है, बहुत बढ़िया पंक्ति है। एक सेकंड, वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो पा रहा, चलिए कुछ नहीं होता, हम वैसे ही बात कर लेते हैं। आपने गीत सुना होगा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूँ, मुझ में और कुछ भी नहीं है। मतलब कि अपना स्वरूप बताने के लिए, अपना दिग्दर्शन करने के लिए वो एक गीत पर्याप्त। तो उसमें आगे की पंक्तियां आती हैं कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। क्या बहुत बढ़िया पंक्ति, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध, कि मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में ही इतना समर्थ हूं, मुझे किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि ऐसे नहीं दिख पाएगा, थोड़ा सबको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए कुछ नहीं होता, हम कभी बाद में उस गीत को पढ़ लेंगे। मतलब कि अपनी स्वतंत्रता बताई जा रही है कि मुझे किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है परिणमन कराने के लिए। एक बार सोच के देखिए कि जगत में अगर एक द्रव्य को परिणमन कराने के लिए दूसरे द्रव्य की आवश्यकता पड़ती होती, तो जो इतना जगत हमें दिखाई दे रहा है वो कितना परतंत्र हो जाता। मतलब कि बिना दूसरे के सहारे के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब कि हम देखते हैं ना कि हमें दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभार हम कहते हैं कि ये काम तो तुम्हारे बिना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम ही इस काम को करने में सक्षम हो, हम में तो इतनी क्षमता ही नहीं है। लेकिन नहीं,
यहाँ पे कह रहे हैं सब में अपनी अपनी क्षमता है, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। कई बार हमारे घर पे हमारी मम्मी लोग हमें खाना खिला देते हैं, तो वो उसमें उसमें एक छोटी सी क्रिया में भी कितनी परतंत्रता होती है कि सामने वाली मतलब मम्मी हमें खाना खिला रही है, उसमें कितनी परतंत्रता है। मम्मी जब मुंह में खाना डालेंगी तब हम खाएंगे, नहीं तो हम खाने वाले नहीं है। और सोचिए अगर हम खुद खाना खा लें तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ दिक्कत ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम परतंत्र हो जाएं, जब दूसरे वाला खिलाएगा, जब सामने वाला खिलाएगा तो हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे, तो जीवन भर भूखे रह जाएंगे। क्योंकि दूसरा द्रव्य किसी को कुछ करता धरता है ही नहीं, सब अपने में स्वतंत्र हैं। क्योंकि पुद्गल की स्वतंत्रता बताती तो जीव तो अपने में स्वतंत्र है ही है। आगे बड़ी बढ़िया पंक्तियां कि मैं ही मेरा कर्ता धरता, कि मेरा कर्ता धरता कौन है, मैं ही मेरा कर्ता धरता हूं, अन्य द्रव्य कोई मेरा कर्ता धरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं काम करूंगा और सामने वाले को फल लग जाएगा, मतलब काम भी मैं करूंगा तो उसका फल भी मुझे लगेगा। अब मैं भगवान के सामने कुछ मांगू और मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कर्म किए हैं वैसा ही मुझे मिलने वाला है। कि हम भगवान के सामने जाके मांगते रहे और हम समझे कि उनके हाथ से, कि हम भगवान से मांग रहे कि भगवान सम्यक दर्शन दे दीजिए, भगवान सम्यक दर्शन दे दीजिए, और भगवान का एक हाथ उठेगा और उसमें से एक लाइट सी निकलेगी और हमें सम्यक दर्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन जितनी भी चीजें हैं सब स्वतंत्र हैं। या हम ऐसा चाहें कि हम किसी तीर्थ स्थल पे चले जाएं, वहां पे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। जो होगा वो स्वतंत्र होगा, वो आपको ही होगा, अन्य को नहीं होने वाला। क्यों आज हम इतनी स्वतंत्रता की बात क्यों कर रहे हैं, इतना सब सारे द्रव्य स्वतंत्र क्यों है, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का विषय है हमारा षटकारक। क्या विषय है आज का हमारा? षटकारक। आप लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका निकाल लीजिए, बहुत बढ़िया चर्चा आज होगी हमारी। 28 नंबर का पेज निकाल लीजिए आप। 28 नंबर के पेज में 130 नंबर के प्रश्न से लेके 135 नंबर के प्रश्न तक षटकारक की चर्चा हम करने वाले हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम ही हमारे कर्ता धर्ता हैं और कोई हमारा कर्ता धर्ता नहीं है। अगर व्यवहार में ऐसा कहा भी जाता है कि दूसरे कर्ता हैं, तो वे व्यवहार का कथन ही समझना, निश्चय का कथन नहीं समझना। वास्तव में तो जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है या मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन कुम्हार नहीं होगा तो घड़ा नहीं बन पाएगा। मतलब मिट्टी उसमें उपादान कारण है और जो अपना कुम्हार है वो उसमें निमित्त कारण है। अब कुम्हार नहीं होगा तो भी घड़ा नहीं बन पाएगा, और मिट्टी नहीं होगी तो भी घड़ा नहीं बन पाएगा, लेकिन वास्तविक कारण क्या है? वास्तव में घड़ा किससे बनता है? घड़ा तो वास्तव में मिट्टी से ही बनता है। मतलब उपादान कारण ही एक सच्चा कारण होता है, बाकी तो असत्यार्थ कारण होते हैं, मतलब कि सच्चे कारण नहीं होते हैं, असत्यार्थ होते हैं। कुम्हार घड़े को बनाता है, लेकिन कुम्हार 24 घंटे बैठा रहता है, लेकिन कुम्हार 24 घंटे घड़े को तो बनाता नहीं है। जिस समय घड़े को बनाता है उस समय उसको कुम्हार कहा जाता है, और जिस समय वो खाना खा रहा है उस समय वो कुम्हार नहीं है, उस समय तो वो खाना खाने वाला है, लेकिन उस समय में भी हम उसे कुम्हार कहते हैं। अगर वो कुम्हार है जो घड़ा बनाता है, तो जिस समय वो खाना खा रहा है उस समय घड़ा क्यों नहीं बनता? मतलब कि घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, अन्य चीजों से नहीं बन सकता। मैं कहूं कि हमारे पास कुम्हार भी है, हमारे पास घड़े को बनाने के सारे औजार भी हैं, लेकिन हमारे पास मिट्टी नहीं है, हमारे पास रेत है। अब आप बताइए, कुम्हार भी है, औजार भी है, उसका बनाने का जितना भी ढांचा है वो भी है, क्या अब रेत से घड़ा बन सकता है? क्योंकि हमें तो पता है कि कुम्हार घड़ा बनाता है। अब बना के दिखाए, कुम्हार लाख कोशिश कर ले उसके बावजूद भी रेते से घड़ा नहीं बनाया जा सकता। घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है। मतलब मेन कारण क्या है, उपादान कारण क्या है? उपादान कारण तो मिट्टी ही है। मतलब मिट्टी से ही घड़ा बना है, मिट्टी के लिए ही घड़ा बना है। जिस षटकारक की हम बात करने वाले हैं, वो षटकारक कौन से होते हैं, जल्दी से उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये देखें कि जिस चर्चा हम करने वाले हैं षटकारक, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, अर्थात ये षटकारक की चीजें आई कहाँ से, कृत ग्रंथ में ऐसी बातें लिखी, पहले हमें इसकी चर्चा भी करना बहुत जरूरी है। आप सबको एक चीज दिखाई दे रही होगी, अभी गाथा सबको दिखाई दे रही होगी, ये जो 16वीं नंबर की गाथा है ये है प्रवचन सार की गाथा। किस ग्रंथ की गाथा है? प्रवचन सार नामक ग्रंथ की गाथा है, जो कुंद कुंद आचार्य द्वारा विरचित है। वास्तव में अगर कुंद कुंद आचार्य जैसे समर्थ भरत
क्षेत्र के आचार्य नहीं होते तो आज हमें कण कण की स्वतंत्रता नहीं पता लग पाती कि कण कण स्वतंत्र है। इस गाथा में उन्होंने जो मर्म भरा है वास्तव में उसका हम आचार्य कुंद कुंद के सामने जितने बार नतमस्तक हुए उतनी बार कम है, क्योंकि उस इन्होंने इतना ऐसा मर्म भरा है कि हम पूछ नहीं सकते। इस गाथा को स्वयंभू की गाथा से जाना जाता है, मतलब कि कुछ गाथाएं प्रसिद्ध हो जाती है ग्रंथों में कि ये होती है अलिंग ग्रहण की चर्चा, कुछ गाथाएं की अलिंग ग्रहण वाली चर्चा करेंगे, जैसे प्रवचन सार की अलिंग ग्रहण की गाथा भी बहुत प्रसिद्ध है, पांचों परमागम में है वो तो गाथाएं, या जैसे कि हम लें कि द्वि क्रियावादी मिथ्या दृष्टि की हम बात करेंगे, या हम पक्षाती क्रांत की बात करेंगे, मतलब ये एक विषय है गाथाओं के जिस नाम से वो गाथा अमर हो गई। ऐसे ही प्रवचन सार की कुंद कुंद द्वारा विरचित, आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचित 16वीं नंबर की गाथा है जो स्वयंभू के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जिस गाथा में बताया कि हम सब स्वयंभू हैं। अर्थात स्वयंभू का मतलब क्या होता है, आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयं प्लस भू, स्वयं अर्थात मैं और भू अर्थात होना, भू अर्थात मतलब संस्कृत में होता है भू सत्तायाम, भू अर्थात सत्तायाम, मतलब कि जिसकी सत्ता हो, मतलब होना जिसका प्रेजेंट है, मतलब कि स्वयं होना, मतलब कि हम अपने से ही हैं, किसी और द्रव्य से नहीं है, मतलब कि जो मैं हूं अपने से हूं, किसी अन्य की वजह से नहीं हूं, अन्य द्रव्य का मेरे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, मतलब दूसरा मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है, मैं खुद अपने में इतना इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने में बना हुआ हूं, अगर मेरे में ज्ञान है तो वो मेरी वजह से, अगर मेरे में दर्शन है तो मेरी वजह से, अगर मुझे सुख होता है तो वो मेरी वजह से होता है, और अगर मुझे दुख भी होता है तो वो मुझे मेरी ही वजह से होता है, अन्य किसी का कारण नहीं है। मतलब ये स्वयंभू हमें ये बताता है कि सुख दुख जितनी भी चीजें हैं सबका कर्ता मैं ही हूँ, कोई पर द्रव्य नहीं है। जैसे ही हमें ये पता लग जाता है कि हमारे सुख दुख के कर्ता हम ही हैं, पर द्रव्य नहीं है, तो हमारी जो दोष देने की जो आदत होती है वो सारी खत्म हो जाती है। हमें लगता है कि पर पदार्थों से सुख आता है, कि टीवी देखने में बहुत सुख है, मोबाइल को चलाने में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने में बहुत सुख है, हमने जितनी ऐसी मान्यता रख रखी कि पर वस्तु में सुख है, पर वस्तु से सुख आता है, वो सारी मान्यता यहाँ पे खंडित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आचार्य देव हमें स्वयंभू कह के बुला रहे हैं कि तुम अपने ही सुख दुख के कर्ता हो, कोई आपके सुख दुख का कर्ता नहीं है। अगर आप दुखी हो तो हम दूसरों पे आरोप दें कि इन्होंने मुझे रुला दिया या इन्होंने मुझे मारा तो मैं बहुत दुखी हूँ, ये बात बिल्कुल झूठी हो जाएगी, बिल्कुल असत्यार्थ है, क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं हम स्वयंभू हैं, जो हैं हम अपने आप से हैं, पर द्रव्य का उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। देखिए आइए एक बार 16वीं नंबर की गाथा देखते हैं, वहीं से षटकारक की पति हुई है। अमृतचंद्र आचार्य ने भी इस स्वयंभू शब्द को लेके ही पूरी टीका लिखी, और ये जो आपको गाथा अभी दिखाई दे रही है ये गाथा मात्र प्रवचन सार में ही कुंद आचार्य ने नहीं लिखी, साथ ही साथ पद्म पंचास्तिकाएं संग्रह में भी लिखी। पंचास्तिकाएं संग्रह की 62 नंबर है कि आचार्यों ने बहुत बार इन गाथाओं को लिखा है अलग अलग ग्रंथों में। आइए 16वीं नंबर को गाथा को हम देखते हैं क्या लिखा है कुंद आचार्य ने। तहसो लद्द सहावो सवणु सब लोग पदि मही दो, भूदो सम्ये वादा हवदि स्वयं भुत्तिने डिठो। क्या कह रहे हैं इधर आचार्य देव कि इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं, आपको नीचे मिलेगा कि स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोकपति पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो चिंता मत कीजिए, बहुत सरल है, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। क्या लिखा? स्वभाव को प्राप्त आत्मा, इतना हमें समझ में आया, स्वभाव को प्राप्त आत्मा अर्थात जो हमारी आत्मा है, जो हमारी भगवान आत्मा है, उसने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, और वो उसका स्वभाव कौन सा है? सर्वज्ञ स्वभाव, मतलब कि हमारे आत्मा में शक्ति भी है, सर्वज्ञत्व शक्ति अर्थात सबको जानने की शक्ति है, तो वो आत्मा में, आत्मा की ही शक्ति है, आत्मा में ही शक्ति मिलती है, आत्मा को जान के ही वो शक्ति प्रकट होती है, तो ऐसी आत्मा है जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है और वो सर्वज्ञ बन गई। और क्या बात कर रहे हैं?
सर्वलोकपति पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है, अर्थात जो हमारी आत्मा है वो पूरे लोक में पूजी जाती है। जो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है, जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, वो कहाँ कहाँ पूजे जाते हैं, सर्व ली जाते हैं। क्यों जाती है? क्योंकि वे स्वयंभू, उन्होंने सर्वज्ञ स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, स्वयमेव हुए, अर्थात सर्वलोक पूजित भी किसी अन्य कारण की वजह से नहीं हुए, खुद ही स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू हैं। ऐसा किसने कहा है? मैंने कहा है या कुंतकुन आचार्य देव ने कहा है? नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। मतलब कि कुंतकुन आचार्य की भाषा तो है, कुंतकुन आचार्य ने अक्षर तो लिखे हैं, लेकिन बात की है कि ये जिनेन्द्र भगवान की बात है कि हम सब स्वयंभू हैं, स्वभाव से प्राप्त। अगर हम अपने स्वभाव को प्राप्त करते हैं और सर्वज्ञ हो जाते हैं और सर्वलोक पूजित हो जाते हैं, तो उसमें अन्य कोई कारण नहीं है, हम खुद ही अपने से ही स्वयंभू रहते हैं। सर्वज्ञ स्वभाव अपने में ही है, किसी पर्टिकुलर स्थान पे नहीं मिलता है कि हम शिखर जी चले जाएंगे तो हम सर्वज्ञ बन जाएंगे, या हम गिरनार चले जाएंगे तो हम शिखर जी बन, या हम सर्वज्ञ बन जाएंगे। मतलब कोई पर्टिकुलर स्थान पे सर्वज्ञ की नाम की कोई चीज बिकती हो, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ स्वभाव अपना ही है। जब जिस समय हम अपने सर्वज्ञ स्वभाव को पहचान लेते हैं तो हम पर्याय में भी सर्वज्ञ बन जाते हैं, अर्थात बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्या लिखा? सर्वलोकपति पूजित, मतलब सर्वलोकपति पूजित, हम उदाहरण ले लें, सर्वलोकपति पूजित कौन है? कौन है सर्वज्ञ? हम बात करते हैं शासन नायक भगवान की, हमारे महावीर भगवान की। महावीर भगवान कैसे हैं? सर्वलोकपति पूजित है, अर्थात सभी लोक में पूजे जाते हैं। क्या कहा? महावीर भगवान सभी लोक में पूजे जाते हैं। क्या सभी में महावीर भगवान सभी लोक में पूजे जाते हैं? एक बार सोच के देखो, हमारे बराबर वाले गुप्ता हैं, हमारे बराबर वाले शर्मा हैं, वो तो महावीर भगवान को पूजते ही नहीं है। सर्वलोकपति पूजित वो कैसे कहलाएंगे? हम तो सर्वलोकपति पूजित तब कहें जब सारे लोग महावीर भगवान को पूजते हो। कुछ अल्लाह के पास जाते हैं, कुछ राम के पास जाते हैं, कुछ गणेश जी के पास जाते हैं, कुछ लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, लेकिन सब लोग तो महावीर भगवान को पूजते नहीं। किसी को भी ले लें, ऋषभ देव को ले लीजिए, ऋषभ देव आदिनाथ भगवान को ले लीजिए, उनको तो सारे लोग नहीं पूजते। तो यहाँ पे ऐसा आचार्य देव ने क्यों लिखा कि सर्वलोकपति पूजित? क्योंकि कई लोग तो दुनिया में ऐसे भी होंगे जिन्होंने महावीर भगवान का नाम तक नहीं सुन रखा होगा। हर प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध नाम है नरेंद्र मोदी। मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी नाम किसने नहीं सुना है? हमने सुना है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सब लोगों ने उनका नाम सुना ही हो। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जानते भी नहीं कि ये कौन है। मतलब हर प्रकार के होते हैं। तो क्या वो उनको वैसा सम्मान नहीं दिया जाएगा? वैसा सम्मान दिया जाएगा। वो सर्वलोक मतलब कि पूरे अपने हिंदुस्तान के कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कोई नहीं जानता हो कि ये प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे। तो उसकी गलती है कि वो उनको नहीं जानता, पर उनका पद तो नहीं जाएगा, वो तो अपने में प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। ऐसे ही जो लोग इनको नहीं पूछते हैं, इसमें उन लोगों की गलती है, लेकिन ये तो सर्वलोकपति पूजे थे। हम क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जगत के सर्वकृष्ट लोग होते हैं वे भी इनके सामने नतमस्तक होते हैं, अर्थात मनुष्यों में जो सबसे महान है हमारे चक्रवर्ती, वे भी इनके सामने, चक्रवर्ती जो इंद्र होते हैं वे भी सर्वलोकपति पूजित के सामने झुकते हैं। अब वे झुकते हैं तो समझना, जैसे कि कोई भारत ने किसी विदेश से कुछ एग्रीमेंट किया, अब भारत ने विदेश के साथ कोई डील की और उसने कहा कि पूरे भारत, सारे भारतवर्षीय लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अगर हम कहें कि उससे जो डील हुई थी उसने हमसे तो परमिशन ली नहीं, हमने तो अभी साइन किया नहीं था उस डॉक्यूमेंट पे, उसने हमारी परमिशन कब ले ली? भैया, बड़े बड़े लोगों की परमिशन में सब लोगों की परमिशन आ जाती, जैसे हाथी के पैर में सब लोगों का पैर समा जाता है, ऐसे तीन लोग के जो सबसे बड़े लोग थे, मतलब अभी कहें जगत के जो सबसे बड़े लोग थे, अगर वे भी उनको पूजते हैं तो सर्वलोक पति पूजित हो जाते हैं, सर्वलोक पूजे जाते हैं। सर्वलोक में वो कैसे बने हैं? खुद से ही बने हैं, किसी और से नहीं बने, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयंभू हैं। उन्होंने कोई हवन नहीं कराया था, उन्होंने कोई पाठ नहीं किया था, उन्होंने कोई पूजन, ज्यादा पूजन की हो, बहुत देर भक्ति की हो, बहुत देर स्वाध्याय किया हो,
ऐसी कोई बात नहीं है। नीचे क्या लिखा है, आचार्य कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा में निश्चय की दृष्टि से बात किया जाए तो पर के साथ आत्मा को कोई संबंध ही नहीं है। पर एक अलग वस्तु है, आत्मा एक अलग वस्तु है, ये तो हम जान ही चुके हैं क्योंकि हमने स्व पर का श्रद्धान कर लिया कि क्या स्व है और क्या पर है। अपनी आत्मा को छोड़ के सब कुछ पर ही है, इसलिए निश्चय से तो पर के साथ आत्मा का कोई भी संबंध ही नहीं है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री की आशंका से व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। मतलब ये जीव पर पदार्थों के संयोग पे सुख दुख मानता है, लेकिन ये सारी व्यर्थ की बातें हैं, झूठी बातें हैं कि भगवान भरोसे खड़ा रहा कि भरपूर सुखी तो तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा कि हे भगवान तुम्हारे सामने मैं इतने सालों तक खड़ा रहा, आप तो किसी को सुखी करते ही नहीं हो, ये तो मेरी भूल थी कि मैंने मान रखा था कि आप मुझे सुखी करते हो, आप तो किसी को सुखी या दुखी नहीं करते। तो अगर भगवान किसी को सुखी नहीं करते हैं तो किसी को दुखी भी नहीं करते हैं। हमें उल्टे अर्थ में भी हमें सोचना चाहिए, सुखी नहीं करते तो किसी को दुखी भी नहीं करते, क्योंकि बाह्य सामग्री से सुख दुख आता नहीं है। हमने बहुत ऊंची बात कर ली भगवान की, इतना तो हमें समझ जाना चाहिए कि बाह्य सामग्री से भी सुख का कोई संबंध नहीं है। मतलब किसी भी बाह्य पदार्थ से सुख नाम की वस्तु आती हो, क्योंकि जिस वस्तु से हमने सुख मान रखा है वो वस्तु तो अपने में जड़ है, वो तो कुछ जानती देखती ही नहीं है। जो वस्तु अपने को नहीं जानती है वे दूसरे को सुख देने में कैसे समर्थ है, हम इतना सा लॉजिक इस्तेमाल करें। जो खुद अपने को जानती नहीं है, अगर वो जानती होती कि मैं इतनी इतनी अनमोल वस्तु हूं तो क्या वो किसी और के पास जाती? नहीं, उसको पता है देखो मेरी कितनी अहमियत है। वो एक हीरा, हीरे की अहमियत हम तो जानते हैं वो कितना कीमती है, लेकिन हीरा क्या अपनी कीमत जानता है? वो तो जड़ है। सोना, सोने की कीमत कौन जानता है? सोने की कीमत हम जानते हैं, सोना अपनी कीमत नहीं जानता, वो तो जड़ पदार्थ है। लेकिन हमने क्या मान रखा है कि जड़ पदार्थ से सुख आता है। जैसे जैसे सोना हमारे पास आता रहता है हमें सुख आने लग जाता है, जैसे सोने में सारा सुख भरा हो, लेकिन सोने में तो कोई सुख है ही नहीं। हमने माना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर्ता धरता, यहाँ तक कि भगवान भी करता धरता नहीं है। ऐसी बहुत पंक्तियां मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपने पश्चाताप नाम का काव्य सुना हो, पश्चाताप जिसमें रामचंद्र जी और सीता जी का संवाद लिखा गया, आदरणीय दादा ने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा काव्य लिखा, उसमें बहुत बढ़िया की पंक्तियां हैं कि उन पंक्तियों का मैं भाव बताता हूं, एकदम मुझे पंक्ति ध्यान नहीं आ रही वो पंक्ति क्या है कि हाँ शरण पंक्ति याद आ गई, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है वो भगवान, कि शरण जो अपराधी को दे अरे वो भगवान भी अपराधी हो जाता है। मतलब कि अगर कोई अपराधी को शरण दे दे, कोई रागी द्वेषी को शरण दे दे, कोई भगवान किसी बुरे काम करने वाले को बचा ले, तो भैया वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो कुछ करता धरता है ही नहीं। एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का नहीं करता तो भगवान किसी का कुछ कैसे कर सकता है, क्योंकि वो भी तो द्रव्य हैं। हम यहाँ पे भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे वस्तु की स्वतंत्रता बता रहे हैं, उस वस्तु में भगवान भी आते हैं। तो मतलब कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। इसके माध्यम से इन सारी बातों को हम जानेंगे षट कारक के आधार से। षट कारक अर्थात कारक क्या होता है, शारक कारक होते कितने हैं, तो ये तो आपको पता लग गया, मैं तब से बोल रहा हूँ षट कारक। तो कारक होते हैं कितने होते हैं, छह कारक होते हैं टोटल, अपने छह कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। कितने हो गए? छह हो गए अपने पूरे। कर्ता, कर्म, करण, आगे संप्रदान, आपादान और अगला है अधिकरण। टोटल छह होते हैं। नहीं, तो बचपन में संस्कृत भी पढ़ी है, आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी, तो कोई कह सकते हैं नहीं नहीं कारक तो छह होते हैं, कारक तो आठ होते हैं, हमने तो पढ़ा है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, अधिकरण और अपना संबोधन, ये तो आठ होते हैं। लेकिन कारक आठ नहीं होते हैं,
विभक्तियां आठ होती हैं, कारक तो छह ही होते हैं। क्या कहा? कारक होते हैं छह, विभक्ति होती हैं आठ। और वैसे कहा जाए तो विभक्ति होती तो अपनी सात ही हैं, संबोधन को तो विभक्ति के रूप में गिन लिया जाता है। इसलिए कितनी हो गई अपनी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। इसमें संबंध और दूसरा क्या है अपना? संबोधन। ये कोई कारक नहीं होते हैं, कारक हमेशा छह ही होते हैं। अब पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक हमने इंग्लिश में भी देखते होंगे, कारक जैसे वर्ब जिसका कनेक्शन सीधा वर्ब से हो, जिसका कनेक्शन सीधा वर्ब से हो, जैसे कि मैं खेलने जाता हूं, तो खेलने कौन जाता है? मैं खेलने जाता हूं, मतलब जो क्रिया है, क्रिया का संबंध जब किसी से हो, मतलब क्रिया का डायरेक्टली किसी से कोई ना कोई कनेक्शन हो, तो हम समझेंगे कि वो कारक है। इसलिए कारक की परिभाषा ही लिखी कि क्रिया का जो जनक हो। क्या? क्रिया का जो जनक हो, अर्थात क्रिया में जो मेन हो। आप सेंटेंस दिन भर में बहुत सारे प्रयोग करते हैं कि मैं संभव हूं, मैं संभव हूं, इसमें अभी कोई कारक का हमने प्रयोग नहीं किया। जैसे कि मैं बाजार जाता हूं, यहाँ पे तीन चीजें हैं, कर्ता भी है यहाँ पे, यहाँ पे कर्म भी है और यहाँ पे क्रिया भी है। मैं कौन हूं? मैं हूं कर्ता, क्योंकि मैं बाजार जाता हूं। कहाँ जाता हूं? तो बाजार जाता हूं। बाजार क्या है? उसका कर्म है, और जाता हूं वो उसकी क्रिया है। ऐसे इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कर्ता होता है, मतलब कि जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, तो आई क्या है? आई यहाँ पे कर्ता है। गो टू क्या है? यहाँ पे वर्ब है। और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उसकी क्या है? ऑब्जेक्ट मार्केट है, कि मैं कहाँ जाता हूं? मैं मार्केट जाता हूं। संस्कृत में देख सकते हैं हम, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, कि अहम क्या है? अहम कर्ता है। विद्यालयम क्या है? उसका कर्म है, अर्थात कहाँ जाता हूं? तो विद्यालय जाता हूं। कौन, मतलब कि विद्यालय क्या करते हैं? तो वहां जाते हैं। जाना क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। तो तीन चीजें होती हैं। अभी तक यहाँ पे तीन चीजें आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग है। विद्यालय एक अलग वस्तु है और मैं एक अलग वस्तु, कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं कौन हूं? मैं कर्ता हूं, और जो खाता हूं, जिस चीज को खाता हूं, वो कर्म हो गया। मैं खाने को खाता हूं, तो जो खाना है, जो हमारा भोजन है, वो कर्म हो गया और खाने की हमारी क्रिया हो गई। जैसे कि हम बहुत सिंपल से देखें, मेक एक शब्द होता है इंग्लिश का, मेक। मेक क्या है? मेक वर्ब है, और अगर कह दे मेकर, मेकर क्या हो जाता है? मेकर अर्थात उसको बनाने वाला। डांस क्या है? डांस एक वर्ब है, और डांसर उस डांस को करने वाला, अर्थात उसका कर्ता हो जाएगा। मतलब जिसके आगे भी ER लग जाएगा वो उसका कर्ता बन जाता है। मतलब कि ये सारे षटकारकों का रूल है कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है, करण कौन होता है, संप्रदान कौन होता है, ये आपादान क्या होता है, और ये अधिकरण क्या होता है। अधिकरण अर्थात सब कुछ अभी हम देखेंगे। हमने संस्कृत में पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। सबको याद आ गया अपनी पुरानी बातें, सबने पढ़ रखी हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में और पर। लेकिन हम यहाँ पे संबंध की बात नहीं करेंगे, क्योंकि संबंध कभी भी होता है तो वो दो द्रव्यों में होता है। क्या? संबंध हमेशा दो द्रव्यों में होता है। कि एग्जाम्पल लीजिए, मैं मोक्ष से बात करता हूं। क्या? मैं मोक्ष से बात करता हूं। तो यहाँ पे दो लोग हो गए, मैं और मोक्ष, और उन दोनों में एक क्रिया चल रही है बात करने की, कि मैं मोक्ष से बात करता हूं, या मैं पंकज जी से बात करता हूं, या मैं दीपाली जी से बात करता हूं, मैं दृष्टि से बात करता हूं। तो यहाँ पे दो लोग हो गए। संबंध हमेशा दो द्रव्यों में स्थापित किया जाता है, कभी भी एक द्रव्य के साथ संबंध नहीं हो सकता। जैसे ताली है, ताली एक हाथ से कभी भी बज नहीं सकती है, ऐसा। और ताली को चाहिए दो हाथ, मैं दोनों हाथों से ताली बजाता हूं, तो दो होगा, यहाँ पे संबंध हो गया। काके की संबंध बिठाने का काम करता है, और लेकिन
जो षट कारक होते हैं वहां पे किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, क्योंकि कारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निश्चय कारक और एक होते हैं व्यवहार कारक। क्या कहा? एक होता है निश्चय कारक और एक होता है व्यवहार कारक। व्यवहार कारक क्या होता है कि जो बताता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये अपना आपादान और अधिकरण, ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं। क्या ये सब अलग अलग हैं? जैसे कि एग्जांपल लीजिए व्यवहार का, व्यवहार षट कारक क्या होते हैं अभी सबका स्वरूप समझेंगे, सामान्य स्वरूप अभी हम देख रहे हैं। जैसे कि कर्ता क्या है? कर्ता है कुम्हार। कर्ता कौन है? कर्ता है कुम्हार। कर्म क्या है उसका? कर्ता क्या है? वो घड़े को बनाता है। तो घड़ा क्या हो गया उसके लिए? घड़ा हो गया उसका कर्म। या मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी हो गया उसका कर्म, मिट्टी हो गया उसका कर्म। अब करण क्या है? करण अर्थात उस घड़े को बनाने में जिन जिन सामग्रियों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जो उस घड़े को बनाने में साधन है, जैसे कि चाक, कीली, अगर उस कीली नहीं होगी तो वो घूम नहीं पाएगा, तो ये सब क्या है? उसके करण है अर्थात साधन है। फिर क्या? कर्ता, कर्म, आगे क्या हुआ? कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, फिर करण, अगला क्या हो गया? संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? के लिए। क्या? के लिए। अब वो घड़ा किसके लिए बनाया जा रहा है, प्रश्न हो सकता है ना, घड़ा किसके लिए बनाया जा रहा है? तो हम कहेंगे कि घड़ा जो इसमें पानी भरेगा उसके लिए बनाया जा रहा है, मतलब एक और पर्सन इसमें ऐड हो गया। किसके लिए बनाया जा रहा है? जो इसको खरीदेगा वो इसमें पानी भरेगा। अब जो भी उसमें भरे, लेकिन अलग वस्तु हो गई, के लिए, पानी भरने के लिए घड़ा बनाया जाता है। अभी तक कुम्हार एक अलग था, अभी तक मिट्टी एक अलग वस्तु थी, अभी तक चाक एक अलग वस्तु थी, अभी तक उसके साथ एक और वस्तु जुड़ गई, पानी, मतलब पानी के लिए घड़ा बनाया जाता है। फिर क्या है? आपादान। आपादान अर्थात से, आपादान से, वो आया किससे है, मतलब कि वो घड़ा बन रहा है तो वो मिट्टी कहाँ से आई है? तो वो मिट्टी टोकरे से आई है, हमने, उस कुम्हार ने टोकरे से मिट्टी उठाई और उसको रखा और बनाना चालू कर दिया, मतलब टोकरा उसमें हो गया आपादान, उससे मिट्टी आई है, मतलब जिससे वस्तु ली जाए। जैसे कि हम भोजन थाली में से लेते हैं तो थाली आपादान हो गई, कि थाली में से, आप देखिए आपादान से, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, तो थाली से या चम्मच से मैंने भोजन किया, तो चम्मच क्या हो गई? चम्मच आपादान कारण उसमें हो गई। ऐसे ही टोकरे से कुम्हार ने मिट्टी उठाई, तो जो टोकरा है वो क्या हो गया? टोकरा हो गया उसका आपादान कारण। अधिकरण क्या है? अधिकरण होता है उसका आधार। अधिकरण क्या है? उसका आधार। जैसे कि ये मैंने मोबाइल यहाँ पे लगा रखा है, अब ये मोबाइल जो मैंने लगा रखा है, ये मोबाइल कहाँ रख रखा है? तो मैंने उसको टेबल पे रख रखा है, तो टेबल क्या हो गया? उसका आधार हो गया। अगर टेबल नहीं होती तो मैं मोबाइल नहीं रख पाता। ये मैंने अपने सामने शास्त्र रख रखे हैं, तो शास्त्र किसके आधार से रख रखे हैं? ये मैंने टेबल के आधार से शास्त्र रख रखे हैं, तो टेबल क्या हो गई? उसमें आधार हो गई। अर्थात आधार क्या होता है? अधिकरण में पर, कि किसके ऊपर? पुस्तक मैंने टेबल पर रख रखी है, टेबल पर। मोबाइल मैंने टेबल पर रख रखा है, खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है, तो पर मतलब डाइनिंग टेबल क्या हो गई? उसका आधार हो गई। मतलब इतनी सारी वस्तुएं हो गई, वास्तव में हम यहाँ पे, ये होता है व्यवहार षट कारक। क्या होता है? व्यवहार षट कारक। वास्तव में घड़ा तो मिट्टी से ही बना है, घड़ा मिट्टी से बना है, जो घड़ा बन चुका है वो भी मिट्टी का ही है, बाद में जितने भी षट कारक हैं वो मिट्टी पर ही अप्लाई होंगे, वो घड़े पे ही अप्लाई होंगे, उसमें किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन व्यवहार में अन्य का भी कथन किया जाता है कि कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनाया, मिट्टी से बनाया, चाक उसमें लगी, उसमें बहुत सारा पानी का इस्तेमाल किया गया, उचित पानी का इस्तेमाल किया गया, ये सब बातें व्यवहार की हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं वो व्यवहार षट कारक के खाते में जाती हैं। अब जो जिस षट कारक की हम बात कर रहे हैं वो होते हैं निश्चय षट कारक। क्या? निश्चय षट कारक अर्थात जो कार्य होता है वो अपने से ही होता है। वो जो घड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, वो घड़ा कुम्हार ने नहीं बनाया,
वो घड़ा मिट्टी से बना है, मतलब मिट्टी ही उसमें कर्ता है, मिट्टी ही उसमें कर्म है, मिट्टी ही उसमें करण है, मिट्टी ही उसमें आपादान कारण है, संप्रदान भी वो ही है और साथ ही साथ अधिकरण भी वो ही है। मतलब कि षट कारक एक ही वस्तु में लगते हैं, दो दो अलग अलग वस्तुओं में नहीं लगते। क्या कहा, जितने भी षट कारक, जो छह कारक की बात हम करने जा रहे हैं, वो छह कारक दो अलग अलग वस्तु में नहीं लगते, एक ही वस्तु में लगते हैं, जिसको शास्त्रों में इस नाम से भी कहा गया कि भिन्न षट कारक और अभिन्न षट कारक। क्या नाम मिला आपको, भिन्न षट कारक और अभिन्न षट कारक। अभिन्न षट कारक मतलब निश्चय षट कारक, और भिन्न षट कारक माने क्या होता है, व्यवहार षट कारक, मतलब कि किसी कार्य को करने में किसी और की आवश्यकता पड़े, वो कार्य किसी और के निमित्त से हो, तो जो भी कार्य है वो व्यवहार षट कारक के खाते में जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं जो भी कार्य होता है वे उस वस्तु में ही निहित है, वही उसका कर्म होता है, वही उसका संप्रदान होता है, वही उसका आपादान होता है, वही उसका अधिकरण होता है, सब कुछ उसके अंदर स्वयं है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। हम आगे की कक्षाओं में और भी इसका स्वरूप समझेंगे, क्योंकि जब तक हम एक एक का स्वरूप नहीं समझेंगे, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, तब तक हमें षट कारक समझ में आने वाले नहीं है। लेकिन हम ये समझें कि षट कारक हमें स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। अगर एक बार हम अभिन्न षट कारक को समझ लेंगे तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपको छोटे छोटे कामों में दुख होता है कि हमने ये काम किया था और सामने वाले ने वो काम क्यों नहीं किया, ये सारे आपके दुख मिट जाएंगे। क्यों, क्योंकि सब अपने में परिपूर्ण होते हैं, सब अपने कर्ता धर्ता खुद ही होते हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता होता नहीं है। हमारा कोई नौकर नहीं है कि हमने उसको कहा और वो काम पूरा करके आएगा। हम दूसरों से ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, ज्यादा दूसरों से अपेक्षाएं रख लेते हैं, लेकिन वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि तो हम अभिन्न षट कारक को नहीं समझते हैं, क्योंकि जो हम ही करता है, जैसे हम कहते हैं ना आत्मा, आत्मा कहाँ मिलेगी, आत्मा आपके पास ही है। आत्मा कैसे, मतलब कि कहीं खोजना पड़ेगा, नहीं, आत्मा आपके पास ही है, मतलब आत्मा ने आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा से आत्मा में ही जाना। मतलब कि छह कारक हमने आत्मा पे लगा दिए कि आत्मा ने किसको जाना, आत्मा को, तो आत्मा ही करता है, जानेगा किसको, जानेगा भी अपनी आत्मा को ही, तो आत्मा ही उसका कर्म भी हो गया। किसके माध्यम से जानेगा, ज्ञान के माध्यम से जाने, और ज्ञान क्या है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, तो आत्मा ही ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा जाना जाएगा। तो कर्ता, कर्म, करण, आगे क्या कह रहे हैं, संप्रदान के लिए, मतलब कि हम आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए ही जानते हैं, और कहां से जानेंगे, आत्मा से ही जानेंगे, आपादान कारण, आत्मा से ही जानेंगे, कहीं और से, शास्त्रों के माध्यम से भी हम आत्मा को नहीं जानने वाले हैं। क्या कह रहे हो, शास्त्रों के माध्यम से आत्मा को नहीं जानेंगे, अरे भैया शास्त्रों का स्वरूप तो हमें समझ में आ जाएगा, शास्त्रों में जो आत्मा का स्वरूप लिखा है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन आत्मानुभूति तो आत्मा से ही होगी, शास्त्रों से नहीं होगी। क्या कहा, शास्त्रों से आत्मानुभूति नहीं होगी, आत्मा से ही आत्मानुभूति होगी, जरिया तो वही है, रास्ता तो वही है, अब इसका आधार क्या होगा, आधार भी हमारी आत्मा ही होगी। मतलब जानने वाले का आधार क्या है, अपनी आत्मा ही है, कोई और आधारभूत उसकी कोई वस्तु नहीं है, मतलब कि सब कुछ हम स्वयं ही है, हमें कुछ बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने में है, बस एक बार दृष्टि अपने अंदर करके देखनी है, हमें उस अमूल्य रत्न के बारे में पता लगेगा, वो चमकते हुए हीरे के बारे में पता लगेगा, जिसकी खोज हम दर दर भटक भटक के बाहर कर रहे थे, शास्त्रों में कर रहे थे, जिसकी खोज हम पूजा में कर रहे थे, जिसकी खोज हम विधान में कर रहे थे, या क्रिया कांड में कर रहे थे, वास्तव में उसकी खोज तो मेरे में ही है, वास्तव में वो सारा तत्व मेरे में ही भरा हुआ है, मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब आत्मानुभूति करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर स्थान पे जाना पड़े, ऐसा नहीं, आत्मानुभूति आपको उसी स्थान पे होगी, आप जिस स्थान पे बैठे हैं ना, आप अभी जहां पे बैठे हैं आपको वहीं पे आत्मानुभूति हो सकती है, और आत्मा के लिए कुछ पदार्थ लाना पड़ेगा या कुछ हवन करना,
कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं, वो पर पदार्थ है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा चाहिए, और आत्मा कहाँ मिलेगी? अरे भैया हम आत्मा ही तो हैं, हमें आत्मा ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई व्यक्ति ताजमहल के सामने खड़े होकर कहे भैया ताजमहल कहाँ है, हमें ताजमहल घूमना है, अब बताइए उसको क्या बताया जाएगा? अरे भैया तू ताजमहल के सामने ही खड़ा है, दृष्टि घुमा और तुझे ताजमहल दिखने लगेगा। अभी तक वो उल्टा मुंह करके खड़ा था और देख रहा था ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है। एक सज्जन व्यक्ति ने उसका मुंह घुमाया, भैया तू ताजमहल पे ही खड़ा है, एक बार नजर तो घुमा। ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं, एक बार हम विषय कषायों की ओर दृष्टि हमारी जा रही है, एक बार अपनी दृष्टि अपनी आत्मा की ओर करके देखें तो आत्मा यही है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि दुनिया में जो जादू दिखाया जाता है वो खुली आंखों के सामने दिखाया जाता है, खुली आंखों के सामने आपको बुद्धू बना देते हैं और हम पागल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको ऐसा चमत्कार दिखा रहे हैं जो आपको आंख बंद करने पे नजर आएगा, वो आंख खोलने पे नजर आने वाला नहीं है। एक बार अंतरंग की ओर दृष्टि जाएगी तो वो अंतरंग तत्व आपको जरूर प्राप्त होगा, हम सबको जरूर प्राप्त होगा। तो आगे की कक्षाओं में हम इन षट कारक की और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो इसके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। या षटकारक को जानने से यही लाभ बताया ना आपने कि कण कण की स्वतंत्रता को जानेंगे हम इसको जानने से। हाँ जी, हम ये भी लाभ इसमें एक लाभ ये भी जोड़ सकते हैं कि कण कण की स्वतंत्रता हमें पता लगती है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये भी पता लगता है। एक और लाभ कि हम अपने सुख दुख के कर्ता हम ही हैं, सुख दुख का कर्ता कोई और अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति सुख दुख के कर्ता नहीं है। ये सारे इसके बहुत सारे लाभ भी हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा हमने सामान्य स्वरूप देखने का प्रयास थोड़ा सा किया। आपको कोई और प्रश्न है? नहीं भैया कोई प्रश्न नहीं है, ये टॉपिक नया है हम लोगों के लिए, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप कुछ नया मिलेगा। चलिए और किसी को भी प्रश्न हो? ये टॉपिक मेरे लिए भी नया है। आपके लिए भी नया है ये? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सबके लिए नया है तो आपको समझ में आ रहा है या आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं बस? चलिए, उसके पास तो पुस्तक भी है षटकारक की, मोक्ष के पास। बहुत बढ़िया, तो आप सबको विषय अगर कुछ भी समझ में ना आए तो जरूर पूछिए, उस अपने प्रश्न को अंदर दबाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर प्रश्न को अंदर दबाएंगे तो हमें विषय वस्तु ख्याल नहीं होने वाली, कक्षाएं तो आगे बढ़ती निकलती चली जाएंगी, हमारा पाठ पीछे निकल जाएगा। अभी समय है, सही समय है, जो आपको प्रश्न हो इसके संबंध में आप पूछ सकते हैं। जितना मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, जो संस्कृत विभक्ति पढ़ा था, अपादान से पृथक होना ऐसा था कुछ ना? हाँ जी, आपादान से पृथक होने के अर्थ में होता है। अभी हम यहाँ हम बात कर, हाँ जी बोलिए। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं पृथक नहीं, उसके मतलब उसके थ्रू करने उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ जी, अभी जो हमने स्वरूप देखा, क्योंकि जैन धर्म की अभी हम जो हमने आपादान का स्वरूप पढ़ा है कि पृथक होने के अर्थ में, वो पाणिनि व्याकरण है। कौन सी व्याकरण? वो पाणिनि की व्याकरण है, उन्होंने अष्टाध्यायी में ऐसे सूत्र लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जैन दर्शन की व्याकरण बिल्कुल अलग चलती है। जैन दर्शन की व्याकरण बिल्कुल अलग चलती है, वो लौकिक व्याकरण के हिसाब से नहीं चलती। सारे दर्शनों की अपनी अपनी एक व्याकरण होती है, जैन दर्शन की एक अपनी अलग व्याकरण है, हिंदू धर्म की एक अपनी अलग व्याकरण है, जो मात्र उनके शास्त्रों में अप्लाई होती है और कहीं अप्लाई नहीं होती। जैसे स्यात एक शब्द मिलेगा आपको, स्यात, स्यात शब्द क्या होता है? स्यात शब्द का प्रयोग हमारे मतलब जैन धर्म में मात्र किया जाता है किसी अपेक्षा से, लेकिन अन्य हर जगह जितने भी आप संस्कृत डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो वहां पे भी स्यात शब्द का अर्थ आपको किसी अपेक्षा से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक अलग लैंग्वेज है, जैन दर्शन का एक अपना अलग सिद्धांत कोश है, उसका अलग प्रकार से अर्थ किया जाता है। और जब हम आपादान का स्वरूप पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी अलग से विस्तार देखेंगे। चलिए
अभी किसी को कोई प्रश्न ना हो तो हम अभी की बात को पूरी करते हैं। अभी की हमने षटकारक का हमने सामान्य स्वरूप देखा, कल की कक्षा में हम इनका और विस्तार से स्वरूप देखेंगे, और सुबह की कक्षा जो हमारी चलती है यथा समय 8:30 बजे रहेगी। अभी सभी अपने स्थान से नौ बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।